और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। हाय नमस्कार, आज ये वीडियो बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, लोगों की देन है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, अक्षरा एंड पवन जी के बीच में, आप सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें मेरा भी नाम ले रहे हैं। चूँकि मैं इंडिया से बाहर थी अपने काम के सिलसिले में, अब मैं जब इंडिया आई और कई लोगों ने मुझे लिंक्स भेजे, यूट्यूब लिंक्स एंड वीडियोस भेजे, तो मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे इस पर अपना जवाब देना चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग कह रहे हैं कि रानी चैटर्जी ने भी ये लड़ाई लड़ी है, रानी चैटर्जी के पास भी फिल्में नहीं थी, रानी चैटर्जी को भी काम से निकाला गया, रानी चैटर्जी को बर्बाद कर दिया गया, तो मैं उन लोगों से जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों को किसने बताया। 10 साल पहले जब मेरे साथ हुआ था, मैंने भी केस किया था, तो तुम लोग को किसने बताया कि मेरे पास फिल्में नहीं थी, मुझे फिल्मों से हटाया गया, मुझे बर्बाद किया गया, कौन बताया तुम लोगों को? और तुम लोग को यह अधिकार दिया किसने कि मेरे बारे में आप लोग किसी भी मैटर को लेकर मेरा नाम लें? मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को किसने यह अधिकार दिया कि आप लोग किसी के बारे में भी अपनी राय रखेंगे। क्यों रख रहे हैं अपनी राय? मैटर जानते हैं आप? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना। 10 साल पहले जो लड़ाई मैंने लड़ी वो मैंने अकेले लड़ी। पूरी इंडस्ट्री को पता है सच क्या है, झूठ क्या है, मगर किसी के पास यहाँ जिगरा नहीं है बोलने का कैमरे के सामने। तो जब मैंने लड़ाई लड़ी थी तो सिवाय मेरे परिवार के मेरे साथ कोई नहीं था, ना आप थे जो सो कॉल्ड बने हुए ना कोर्ट और जज बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पे कि रानी के साथ ये हुआ था, रानी के साथ वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो आप लोग थे देखने के लिए? तो कृपया करके किसी भी मैटर में मेरा नाम ना घसीटें। मेरी लड़ाई बिल्कुल अलग थी, मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग था। रही बात अक्षरा और पवन जी के मुद्दे की, ये इन लोगों के बीच में मेरा नाम ना घसीटें। खुद को बहुत हीरो बनाने के लिए यूट्यूब पे मत बनाइए, किसी के बारे में मुद्दा क्यों बना रहे हो यार? अक्षरा ने बोला कि मेरे बारे में राय रखो, या पवन जी ने बोला कि मेरे बारे में राय रखो, या मैंने बोला कि मेरा नाम लो, क्यों ले रहे हो नाम? कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप कुछ बोलो इस मैटर के लिए, कुछ बोलो, सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं, तो मैं क्यों बोलूं? मुझे नहीं बोलना है भाई इस बारे में। जब मेरे साथ हुआ था तब कोई नहीं आया था बोलने के लिए, कोई भी नहीं, मैं अकेली थी जो बोल रही थी, जिसको परेशान किया जा रहा था एक हफ्ते तक जान से मारने की धमकी देकर। वो भी धमकी ऐसी भी नहीं कि गोली से उड़ा देंगे, सीधा बोल रहे थे कि आपको जादू टोटके से मार देंगे। मैं और घबरा गई थी उस वक्त, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था, कोई बोलने नहीं आया था, तो मैं क्यों बोलूं? मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मैं कुछ बोलूंगी इस मैटर के लिए? क्यों बोलूं? मैंने इसी ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा नाम घसीटा जा रहा है, सो प्लीज ना घसीटें, वरना मुझे लीगली एक्शन लेना होगा उन सभी लोगों पर जो जो मेरा नाम लेते हैं। रानी चैटर्जी के साथ भी हुआ था, रानी चैटर्जी के पास भी फिल्में नहीं थीं, उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी है। अरे यार तुम लोग मत बोलो ये सब यार, अगर फिल्में नहीं होती ना तो 16-17 साल सर्वाइव कोई हीरोइन नहीं कर सकती है हमारी इंडस्ट्री में, कोई भी हीरोइन नहीं कर सकती है, ओके? तो प्लीज़ मुझे अपने बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं हूँ आई एम, और मैं अपनी बात रखना जानती हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि दोबारा ऐसी हरकतें ना करें आप लोग, और कोशिश करें कि अक्षरा और पवन जी के बारे में भी राय रखना बंद कर दें। सब जानते हैं कौन क्या है, तो अपनी राय ना रखें। और जो आप लोग बोलते हैं ना कि कोई एक्ट्रेस अगर कुछ लेकर आती है तो उसको पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत होती है, शट अप। तुम लोग ऐसे वीडियो बना के खुद पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, तुम लोग को जानता कौन है? चलो अक्षरा सिंह को तो जानते भी हैं, पवन सिंह को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, तुम लोग को कौन जानता है जो इस तरह की वीडियो बना रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो ना? हाँ यस,
तो दूसरों को कभी मत बोलना कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा वीडियो बनाया, ऐसी बातें बोली। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और जिन जिन लोगों ने बोला है वो समझ जाएंगे कि ये बात मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। एंड दोस्तों सॉरी, इस तरह का मेरा रूप, इस तरह का मूड मैं आप लोगों के सामने कभी लाना नहीं चाहती थी, बट क्या करें, कभी कभी अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस तरह का बनना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हर लड़की में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। और हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत शायद ही किसी में है, क्योंकि जानते सब हैं लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पर दोस्त बन बनकर ही लोग वॉर करते हैं। सो मैं ऐसी ही हूँ।